हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधा डबराल, वेलकम टू सुधास क्लासेस। क्वेश्चन फोर्थ है, इन फिगर 6.16, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अगर एक्स प्लस वाई, ये वाला, ये दोनों डब्लू प्लस जेड के इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। ये वाली ए ओ बी एक लाइन है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आप लिख दीजिए। हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ में आ जाइए। हम ये जानते हैं कि किसी एक पॉइंट में सारे एंगल जो बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सम of all the angles at a point is 360 degree, हम ये जानते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में, अब यहाँ देखो, जब इस पॉइंट में इन सब एंगल का सम 360 है, तो मैं इन चार एंगल्स यहाँ पे बने हैं एक्स वाई जेड डब्लू, इनका सम कितना होगा? 360 होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन में देखो, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? डब्लू प्लस जेड के सभी। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, इसकी जगह अगर मैं एक्स प्लस वाई लिख दूँ तो कोई गलत तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। मैं इसकी जगह एक्स प्लस वाई लिख देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे कितने एक्स हो गए? 2x, प्लस यहाँ कितने वाई हो गए? 2y। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो क्या बच गया? इसमें से 2 बाहर आ गया, x बचा, प्लस इसमें से 2 बाहर आ गया, y बचा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 कैंसिल, 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। अब ये एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 आ गई, मतलब हमने एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 180। और एक्स प्लस वाई क्या है? किस में? ए ओ बी पे। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अ